अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और वेलकम टू फिज़िक्स 101 कोर्स। आज हम फिज़िक्स 101 का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ही होगी कि मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट 45 लेक्चर्स अपने इस चैनल पर शेयर करूं। ना सिर्फ मैं आपके साथ चैनल पर लेक्चर शेयर करूंगा बल्कि इंशाल्लाह ताला आपको क्विज़ की असाइनमेंट्स की और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट क्विज़ भी आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए जो है वो मिल जाएंगे अथेंटिक सोल्यूशन के साथ। चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ मज़ीद क्लियर करता चलूँ स्टूडेंट्स कि तमाम तर लेक्चर्स को हैं आपके बिल्कुल लेक्चर छोटे छोटे हैं तो आप लोगों ने तमाम तर लेक्चर्स को सुनना है और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर वक्तन फवक्तन आपके लिए प्रिपरेशन वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँगा, उससे भी इंशाल्लाह आपका बहुत सारा फ़ायदा जो है वो हो जाएगा। चलते हैं जी अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। फिज़िक्स क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स आपका पहला चैप्टर का नेम है। तो फिज़िक्स जनाब होती है एक साइंस, फिज़िक्स इज़ अ साइंस, ये एक एमसीक्यू है, इसको याद रखिएगा। फिज़िक्स एक साइंस है जो करती ये है कि ये अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड काम करती है। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि वो आपको रीजंस मांगता है, वो आपसे लॉजिक जो है और एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस होते हैं उसकी बेस पे हम कहते हैं हाँ भी फलां काम हो सकता है और फलां काम नहीं हो सकता है। तो साइंस बेसिकली एक ऐसी चीज़ का नाम है, या साइंस एक ऐसे साइंटिफिक मेथड एक ऐसे मेथड का नाम है जिसका मतलब ये होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, उस एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो गेन हुआ और उस रिजल्ट के बाद आपने उस रिजल्ट की बेस पे कहा जी फलां रूल और फलां जो चीज़ है वो इस तरह से हो सकती है। Now we have to come to the point 2. It is through that the laws of physics do not change from place to place. वो कह रहा है कि जो laws of physics होते हैं ये change नहीं होते place to place. Place to place का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में आप physics के लाभ कुछ और पढ़ रहे हैं, आप इंडिया में हैं तो इंडिया में physics के लाभ कुछ और पढ़ रहे हैं, आप कनाडा हैं अमेरिका हैं तो वहाँ पर आप laws of physics कुछ और पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो फिज़िक्स ऑफ लॉज होते हैं ये पूरी दुनिया के लिए होते हैं, सारी कंट्रीज़ के लिए जो है वो होते हैं। यही बात आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप ऐसा नहीं कहते कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, हर किसी के रीजन का मतलब होता है कि तमाम तरह साइंटिस्ट जो मुसलमान भी थे गैर मुस्लिम भी थे तमाम तरह लोगों ने इस पर जो है वो रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जो है वो हमें एक एविडेंस के तौर पर हमें एक रिजल्ट मिला और उस रिजल्ट की बेस पर हमने फिज़िक्स के लॉज को क्रिएट किया। उसके आगे जनाब आपको कुछ कैटेगरीज शेयर कर रहा है फिजिक्स की। सबसे पहले आपके पास है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसी डील है या ऐसी बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर आप मोशन ऑफ बॉडीज़ की बात करते हैं, यानी आप रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं, आप इसके अंदर फोर्सेस को देखते हैं। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड न्यूटियन मैकेनिक्स एज वेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये न्यूटियन मैकेनिक्स या न्यूटियन मैकेनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि आप स्टडी करेंगे अबाउट चार्जेस। चार्जेस से मुराद होती है कि आप पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, आप नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, आप टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो है वो फॉल करती हैं। द थर्ड वन इज़ दैट टर्मिनल फिजिक्स, सॉरी थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स से मुराद ये होती है कि आप जो है वो हीट के बारे में बात करते हैं, यानी हीट की नेचर क्या है, हीट कैसे आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होती है, हीट कैसे एक जो शक्ल है यानी कि हीट एक शक्ल से या एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कैसे ट्रांसफ़र होती है। हीट की मदद से आप बहुत बेशुमार शक्लें जिनको आप चेंज कर सकते हैं, लाइक वाटर। वाटर आपको पता है जब आप हीट पर रखते हैं, फ्लेम पर रखते हैं, तो आपको जो वाटर होता है, पानी होता है, वो आबी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठ जाता है। तो बेसिकली हीट से बहुत ज़्यादा जो शक्लें होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, इनके बारे में आप डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर क्वांटम मैकेनिक्स है जिसके अंदर आप डील करते हैं जनाब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, सच एज एटम्स है, न्यूक्लियस है यानी न्यूक्ली है। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स जो है ये आपको ब्रीफली जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी एज वेल एज टाइम के पेशेंट नज़र। उसके आगे एवरी फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम एक फंडामेंटल डायमेंशन के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है और ये तमाम तर जो एमसीक्यूज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से, इसको याद रखिएगा। मैथ्स की शॉर्ट फॉर्म आपके पेपर में और आपके एमसीक्यूज़ में आती है, तो मैथ्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। उसके आगे ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्पीड है तो एल टी माइनस 1 है, फिर एक्सेलरेशन है एल टी माइनस 2, फोर्स है एम एल टी माइनस 1, एम एल टी स्केयर एनर्जी जनाब जो है वो एम एल टी स्केयर टी माइनस 2, और प्रेशर जो है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आती हैं, इसको मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख भी दिया है। इसको आप अगर आपके पास फिजिकल हैंडआउट्स मौजूद हैं इसको हाईलाइट कर लें, और अगर आपके पास हैंडआउट्स मौजूद नहीं है तो आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं जिस तरह मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको करके दिखाया हुआ है। उसके आगे आपको कुछ जो है वो बता रहा है फैक्टोरियल के बारे में बता रहा है। होपफुली आपने मैथ 101 पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो याद रखिएगा
ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपको बता रहा है कि इफ थीटा, अगर थीटा की कोई डायमेंशन होगी तो इसका मतलब है कि आप कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई डायमेंशन होगी थीटा की, दिस मींस कि आप डिफरेंट क्वांटिटीज को एक दूसरे के अंदर ऐड कर रहे हैं। डू नॉट कन्फ्यूज, हमेशा कन्फ्यूज नहीं होना आपने यूनिट्स में और डायमेंशन में, क्यों? वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट टू मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। वो कह रहा है कि हम डिफरेंट यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको देखने के लिए या उसको मेजर करने के लिए। उसके आगे स्टूडेंट्स आपके सामने इसने यहाँ पर एक जी एक एग्जांपल शेयर किया आपके सामने इसने यहाँ पे। तो बेसिकली ये एग्जांपल क्या है, वो कह रहा है कि वी वांट टू कन्वर्ट, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आपको समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, इसने आप देखें इसने एम आई टू एच आर, ये बेसिकली आप इसको मिनट कर लें और आप इसको होर कर लें। अब देखिए ये मिनट और होर से मिनट्स और सेकेंड में तब्दील हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको एच शो हो रहा है ये होर का है और ये जो आपको एस शो हो रहा है ये सेकेंड्स का है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी आसानी से फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए, फिजिक्स के मुख्तलिफ रूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर बड़ी आसानी से फॉल जो है वो कर सकते हैं। उसके आगे आपको जनाब कुछ बात बता रहा है कि मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में जाना चाहते हैं तो ये भी बड़ा आसान है। अगर आप किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ईजी है। तो ये पॉइंट आपने खुद से पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ भी आपके पेपर में स्पेशली नहीं पूछा जाता है। ऑलवेज चेक योर एक्वियंस, आपने अपनी एक्वियंस को हमेशा चेक करना है टू सी, देखने के लिए इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन, अगर उसके पास सेम डायमेंशन है ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑन द राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि आपने डायमेंशन को चेक करें, हो सकता है कि मिसाल के तौर पे जिस तरह देखें वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 280, इसी तरह से वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 13a² t² तो इसका मतलब ये है कि ये करेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपने अपनी डायमेंशन को चेक करना है, दोनों एक्वियंस की जो लेफ्ट और राइट साइड होती है वो सेम हो सकती है, लेकिन इस कैटेगरी में या इस आप कह सकते हैं कि इस केस में कि दोनों जो एक्वियंस की वैल्यूज हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए वो आपको क्या कह रहा है, वी कैन सी द एक्वियन, हम ये वाली एक्वियन देखते हैं, इस क्लियरली रॉन्ग, ये रॉन्ग एक्वियन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 13a² t कुड पॉसिबली बी अ करेक्ट रिलेशन, हेयर वी एंड यू आर वेलोसिटीज जबकि ए जो है वो एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। नोट हेयर, यहाँ पर नोट कर लें, आई यूज द वर्ड पॉसिबली बिकॉज द डायमेंशन ऑन द बोथ साइड मैच अप इन दिस केस। तो दोनों साइड्स पे आपके पास जो एक्वियंस है, ये वाली एक्वियन गलत होती है, ये वाली एक्वियन ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास तमाम तर एक्वियंस जो है वो तमाम तर आपके पास जो वर्ड्स हैं वो पॉसिबली आपकी डायमेंशन को शो कर रहे हैं। उसके आगे आपको कुछ बताया जा रहा है कि आप एक ड्राइव करें एक्वियन को और उस जो आपके पास एक्वियन है उसको ड्राइव करने के लिए आपको एक स्पेशल लिमिट दी जाएगी। ये बेसिकली आपका चैप्टर लेक्चर 2 में हम इसको यहाँ से डिस्कस करेंगे। कहने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आपको एक एग्जांपल दी जा रही है सिर्फ डायमेंशंस को समझाने के लिए। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी हैं, ये वाला आप बस पॉइंट रीड आउट कर लें। डेफिनेटली यहाँ से पेपर में इतना कुछ नहीं पूछा जाता। जो आपके पास डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा कि दोनों साइड पे डायमेंशन एक जैसी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर टी इक्वल टू टी स्केयर, तो ये काम गलत है, इस तरह से नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो आपको याद करने वाली चीज़ है वो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, यहाँ से आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जाता है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, कोई चीज़ समझ नहीं है मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करके आपका कमेंट का आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छी तरह से क्लियर जो है वो कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।